काशीराम साहब वो बाबा भीमराव अंबेडकर के चिन्हों पर चलने वाली एकमात्र पार्टी बसपा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की अपनी पार्टी पर भरोसा दिलाते हुए मायावती ने बहुजनों के हित व अधिकार के विषय में लोगों को मंच से दिया आश्वासन। कहा कि मैं अधिकार का हनन नहीं करने दूंगी, उसके लिए चाहे मैं फिर से सड़कों पर आ जाऊँ, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी को जो दायरे हैं उन्हें मजबूत करने का काम करूंगी। पैसे की बेरोजगार है, जहाँ पर भर्ती होती है धांधली होती है, भर्ती में घपला होता है, और जब लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे लोग जब मैदान में आते स्ट्रगल करते हैं तब ये जांच बिठाते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले, आप लोगों की जो अन्य स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान हो, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या यहाँ की स्थानीय पार्टियां हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, अपने पैरों पर खड़े हों। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग यदि चाहते हैं मान सम्मान की जिंदगी बसर करना, स्वाभिमान की जिंदगी बसर करना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने संतों गुरु और महापुरुषों को यूपी की तरह आदर सम्मान देना चाहते हैं, आप लोग जुम जाति से निजात पाना चाहते हैं, कितना बुरा हाल है अपने लोगों का। एक आईएएस ऑफिसर जाके बिहार में नौकरी करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो हत्या में शामिल होता है वहाँ के वर्तमान राज्य सरकार उसको रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ का आपका मुख्यमंत्री चुप रहता है और कुछ आवाज नहीं उठाता है। बीएसपी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ये गलत हो रहा है, लेकिन यूपी में हमने जो दबे कुचले लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको पूरा न्याय दिया, उनके ऊपर जुल्म जाति नहीं होने दी। हालांकि हमने जो फैसले लिए दूसरी पार्टियां उसकी नकल करने की पूरी पूरी कोशिश में लगी रहती है, लेकिन वो जातिवादी मानसिकता होने की वजह से उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो लोग उसका फायदा आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से फिर पुरजोर अपील है कि कुछ ही महीनों में असेंबली का चुनाव होगा, आप लोग चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करें, पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं, खास तौर से वीकर सेक्शन में, माइनॉरिटीज में, और जो अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको भी तैयार करें, सब समाज को जोड़े, बहुत बड़ी ताकत बनाएं, जनाधार को बढ़ाएं, और ताकि आप लोगों की अपनी सरकार बने। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही रजा लेती हूँ, जय भीम।